आज की वीडियो में हम आपसे एक दुल्हन का सच्चा किस्सा शेयर करेंगे। दोस्तों, ये किस्सा सऊदी अरब का है। उस दिन उस लड़की की शादी थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। बारात बस आने ही वाली थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। हर इंसान अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। दुल्हन को भी तैयार किया जा रहा था। खुशियों का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, उस वक्त वहां पर कुछ ही देर बाद जोहर की अजान हुई। उस लड़की ने अजान की आवाज सुनी तो नमाज पढ़ने का इरादा करा। ये सोचकर वो वजू करने जा रही थी तो दोस्तों इतने में ही उसकी माँ ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रही हो। लड़की ने कहा, अम्मी जान अजान हो रही है, मैं वजू करके नमाज अदा करने जा रही हूँ। लड़की की माँ ने बेटी से कहा, बेटा बारात बस आने ही वाली है, मेहमानों से घर भरा हुआ है, तुम तैयार हो जाओ। वजू करोगी तो तुम्हारा मेकअप सब खराब हो जाएगा, फिर तुम खूबसूरत भी नहीं लगोगी। दोस्तों, ये सुनकर लड़की ने जवाब दिया, अम्मी जान मैं अल्लाह ताला की नजर में पहले खूबसूरत लगना चाहती हूँ, मुझे अल्लाह का डर है, मेहमानों का नहीं। दोस्तों, ये कहकर वो लड़की वजू करने के लिए चली गई और अपनी नमाज अदा करने के लिए जा नमाज पर खड़ी हो गई। और जब वो लड़की सजदे में गई तो फिर वो उठ ना सकी, यानी उस लड़की का सजदे में ही इंतकाल हो गया। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, मौत तो सबको आनी है, पर इतनी खूबसूरत मौत किस्मत वालों को नसीब होती है। अब दोस्तों जरा गौर से सुनिए। लड़की जब काफी देर तक नीचे नहीं आई तो उसकी माँ लड़की को देखने रूम में चली गई। उस माँ ने देखा कि उसकी बेटी सजदे में है और उसका इंतकाल हो गया है। दोस्तों, खुशी का माहौल मातम में बदल गया। ये देखकर लड़की की माँ रोते रोते कहने लगी कि बेटा तुम सही कहती थी, डर अल्लाह ताला का होना चाहिए, दुनिया का नहीं। मेरी माँ और बहनों, ये वीडियो खास उन लड़कियों के लिए है जो जरा जरा सी बात पर अपनी नमाज छोड़ देती हैं। नमाज हर हाल में फर्ज है। हमें किसी भी हाल में नमाज की माफी नहीं दी गई है, चाहे आप खुश हो या कोई गम में हो, पहले हमें हमारा फर्ज अदा करना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी शेयरिंग से कोई पंचवक्ता नमाजी बन जाए, तो इसका अजर अल्लाह आपको जरूर देगा।